नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, यहाँ पर देख पा रहे हैं G41, है ना, कंसिस्टेंट का ये मदरबोर्ड है। यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट लिखा हुआ है ना। तो फिलहाल डीलर के पास से आया है, नो डिस्प्ले इसके अंदर बताया गया है, अभी इसको लगा के नहीं देखा है ना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में देखिए, ये जब डीलर से आया था उस समय उनको दिखा दिया था कि बोर्ड बर्निंग है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मॉस्फेट हमारा यहाँ पर जला हुआ है, ये देखिए ये मॉस्फेट यहाँ पर बर्निंग है। और इस बोर्ड पर बर्निंग का निशान हमारे जो ग्राफिक कार्ड का स्लोट है इस पर भी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये देखिए जो मॉस्फेट के पास में ये स्लोट है, ये स्लोट तक बर्निंग गया है ना। तो ये मॉस्फेट जला होगा तो इसी की वजह से ये स्लोट तक बर्निंग गया है। तो इसको पावर देना हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये स्विचिंग सर्किट है यहाँ पर जो बना हुआ है ना। मॉस्फेट जो ख़राब है ये स्विचिंग सर्किट है ना। और स्विचिंग सर्किट में हमारा ये मेन मॉस्फेट है, ये मेन मॉस्फेट है, ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है। जब आप इसको ट्रेस करेंगे है ना, तो इसके सोर्स से इसका ड्रेन कनेक्टेड है और इसका सोर्स ग्राउंड है। गेट का इम्पीडेंस बिल्कुल सही आ रहा है मल्टीमीटर से जब हम इम्पीडेंस लेते हैं। और यहीं पे इसका कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है, ये इसका कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है। पिन नंबर 2 और 4 इन मॉस्फेट के गेट के साथ में कनेक्टेड है, जैसा डेस्कटॉप के बोर्ड में होता है। मैं कंफर्मेशन के लिए आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर मेरा बीप रेंज पे है, तो देखिए इस मॉस्फेट का जो सोर्स है इसके ड्रेन के साथ में कनेक्टेड है ना। सोर्स ग्राउंड है तो एक प्रोब को कहीं भी ग्राउंड पे लगा लेते हैं। और देखिए इसके सोर्स पे लगाता हूँ, ये हमारा पॉइंट ग्राउंड है, ये हमारा मेन मॉस्फेट है। मेन मॉस्फेट का जो गेट है वो हमारे आईसी के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। ये आईसी के पिन नंबर 2 पे हमने लगाया और ये मॉस्फेट के गेट पे लगाया। तो देखिए मल्टीमीटर पे हमारा बीप आ रहा है। मल्टीमीटर को मैं इधर रख देता हूँ जिससे आपको मल्टीमीटर नज़र आए। टू पॉइंट वन दिखा रहा है, तो यहाँ पर 2.1 की रजिस्टर लग रही है आगे, है ना। इस मॉस्फेट से आगे जो मॉस्फेट बर्न है इससे आगे एक रजिस्टर है। तो देखिए इस रजिस्टर पे जाते हैं 2.1, इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे जाएंगे तो देखिए 0 हो चुका है। तो ये 2.1 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई, रजिस्टर सही है ना। पिन नंबर 4 पे लेते हैं, ये मैंने पिन नंबर 4 पे प्रोब को लगाया आईसी के, है ना, और इस मॉस्फेट के गेट से। तो ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है हमारा, इस पर 0.03 आ रहा है, तो ये पास में रजिस्टर है। देखिए इसके दूसरे एंड पे जाएंगे तो रजिस्टर बिल्कुल ओके है। यहाँ पर मॉस्फेट हमारा ये जल चुका है ना। और जब हम इम्पीडेंस लेने जा रहे हैं, इम्पीडेंस लेते हैं तो देखिए इस मेन मॉस्फेट के ड्रेन पर इम्पीडेंस सही है, लेकिन सोर्स का इम्पीडेंस 0.003 ये कम आ रहा है। ये सोर्स है, ग्राउंड है, गेट का इम्पीडेंस बिल्कुल ओके है,
पीडब्ल्यूएम साइड से प्रॉब्लम नहीं लग रही है ना। तो एक बार के लिए इस मॉसफेट को चेंज करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लो वोल्टेज बनना है ना इस ICH के लिए, क्योंकि हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है, तो ये ICH लगा हुआ है ना, साउथ ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, तो इसी का यहाँ से सप्लाई बनाया होगा, तो लो वोल्टेज की वजह से भी इम्पीडेंस कम आ सकता है ना। तो मॉसफेट को बदलेंगे है ना, उसके बाद ही हम इसको पावर देंगे, या फिर आप इस स्विचिंग सर्किट के मॉसफेट को यहाँ से निकाल दीजिए है ना, तो भी हम काम कर सकते हैं। तो जैसा आप करना चाहें, या फिर तो मॉसफेट बदलिए, या फिर इस मॉसफेट को पेयर को यहाँ से निकाल दीजिए है ना। PWM IC मुझे फॉल्टी नहीं लग रहा है, PWM IC भी फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि मॉसफेट इसी से ड्राइव होता है, तो बर्निंग का कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। तो एक बार के लिए क्या करेंगे, मॉसफेट को ही चेंज करते हैं, यहाँ के मॉसफेट को निकालते हैं है ना, उसके बाद ही हम इसको पावर देंगे है ना। हो सकता है दोबारा जैसे डीलर ने जब चेक किया हो, जब नो डिस्प्ले में है, लेकिन हो सकता है कि अभी हम इसको पावर दें और ये पावर ऑन ही ना हो, या कोई और इश्यू इसके अंदर आ जाए, तो उससे बढ़िया है पहले यहाँ का मॉसफेट निकाल लेते हैं और मॉसफेट बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा मॉसफेट लगा दिया है ना। इसका नीचे का ट्रैक भी बर्निंग था है ना, यहाँ का थोड़ा सा ट्रैक बर्निंग था, सो जैसे तैसे टिका दिया है ना, बढ़िया इसको सॉल्ड कर दिया है। अभी हमने इस पर डेबिट कार्ड भी लगाया हुआ है, SMPS कनेक्ट कर दिया है, ये SMPS लग रहा है। अभी इसको देते हैं पावर, SMPS को पावर ऑन करते हैं है ना, देखिए होता क्या है, क्योंकि मैंने जब आया था लगा के नहीं देखा है, और अभी तक भी इसको लगा के नहीं देखा है ना। अभी SMPS को पावर ऑन करते हैं, तो देखिए स्टैंड बाई का लाइट हमारा ग्लो हो चुका है, और यहाँ पर इसका LED लगा हुआ है, ये LED भी ग्लो हो गया है। यहाँ पर देखिए ये इसका LED लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा डिबग कार्ड है, और देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा ऑन हो गया है, आप कोड देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसका फ्रंट पैनल दिया गया है ना, तो फ्रंट पैनल से मैं इसको ऑफ करता हूँ। देखिए फिर से ऑन हो गया है, और ये कोड जो चेंज हो रहा है ये बता रहा है इसमें डिस्प्ले आ गया है ना। अभी हम यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जहाँ हमने मॉसफेट लगाया था है ना, तो देखिए ये मॉसफेट है, ये देखिए इस पर 5 वोल्ट, ये मेन मॉसफेट है, और ये सपोर्टिंग का ड्रेन 1.12 वोल्टेज यहाँ पर बन गया है, हमने पहले देखा था इम्पीडेंस कम आ रहा था इसका है ना, तो ये वोल्टेज यहाँ पर बन गया है, तो यहाँ पर मॉसफेट का ही प्रॉब्लम था। इस मॉसफेट को देख लेना है आपको, ये हीटअप तो नहीं ले रहा है ना, तो कोई गर्म नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल है, चिपसेट भी नॉर्मल है। मैं एक बार हम इसी पोजीशन पे कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूँ, ये आप डिबग कार्ड को देखिए, कीबोर्ड को लगा के देख लेते हैं, तो कीबोर्ड अवेलेबल है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा डेस्कटॉप में जगह का दिक्कत हो जाता है, USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं,
तो देखिए हमारा लाइट आ चुका है, तो डिस्प्ले हमारा इसमें आ चुका है। तो ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है, फिर भी फाइनली हम इसको डिस्प्ले पे लगा के देखते हैं, स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में इसका फॉल्ट पकड़ाई में आ गया, क्योंकि बर्निंग दिख रहा था, है ना। और ऐसे बर्निंग चीज़ को हम दोबारा जब चलाते हैं तो फॉल्ट आगे बढ़ जाता है ना। तो हमें वैसा नहीं करना है। हो सकता है 5 वोल्ट मॉस्फेट शॉर्टिंग की वजह से चिपसेट में चला जाएगा, है ना। तो मॉस्फेट जल के ही रह गया वहाँ पर। हो सकता है दोबारा में इंटरनल कोई शॉर्टिंग की वजह से 5 वोल्ट चिपसेट में चला गया, तो आपका चिपसेट खत्म है ना। तो इसी कारण हमने पहले यहाँ पर मॉस्फेट चेंज करना उचित समझा, मॉस्फेट चेंज किया और हमारा केस सॉल्व हो गया। देखिए डिस्प्ले हमारा आ चुका है, तो एक बार हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले को चेक करेंगे। तो इसको लगाते हैं स्क्रीन पर। अभी देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको देते हैं पावर। तो देखिए अभी ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं हुआ है ना। इसको ऑन करते हैं फ्रंट पैनल से। देखिए ये ऑन हुआ, बराबर से हमारा डेबिट कार्ड पे कोड चेंज हो रहा है। और देखिए स्क्रीन पे हमारा कंसिस्टेंट डिस्प्ले आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमारा ये केस सॉल्व हो चुका है। ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन में बर्निंग देखा, उसको मॉस्फेट को चेंज किया और एक केस हमारा डन हो चुका है। कंट्रोल अल्टर डिलीट, एक बार बायोस में एंटर होते हैं। देखिए देखिए आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं मोबाइल से भी इस क्लिप को बना देता हूँ। नहीं तो पहले कोई वीडियो थी यूट्यूब पर, कमेंट करते हैं फेक वीडियो, मदरबोर्ड चेंज कर दिया है ना। तो इस तरह के भी कमेंट देखने को मिलता है, तो देख लीजिए ये वही मदरबोर्ड है जिसका आपने मॉस्फेट चेंज करा है ना। अभी देखिए इस पे डिस्प्ले है, ये हमारा कनेक्टेड है इस स्क्रीन के साथ में। मैं कंट्रोल अल्टर डिलीट की प्रेस करता हूँ, दोनों चीज़ को एक साथ दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ। देखिए ये डिबग कार्ड पे बराबर से हमारा कोड चेंज हो रहा है और ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। आप अभी इस सेटअप से डिस्प्ले देख रहे हैं, इन दोनों कैम से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। हमारा डिस्प्ले आ चुका है। कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ उसका, और ये हम बायोस में एंटर हो जाएंगे। तो देखिए बोर्ड वही है। कंसिस्टेंट तरह का केस स्टडी आप लोगों के लिए आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।